ओम शांति। भिलाई में वाणी चल रही थी 18 अप्रैल 1967 प्रातः क्लास। द वाणी दैट वॉज नरेटेड इन भिलाई इज द मॉर्निंग क्लास डेटेड 18th April 1967। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। द टॉपिक डिस्कस्ड इन द एंड ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पेज वॉज मैं कोई कृष्ण में नहीं आता हूँ। आई डोंट कम इन कृष्णा। कृष्ण का ही नाम क्यों लिया? वाई डिड ही टेक द नेम ऑफ कृष्णा अलोन? राम को भी तो भगवान कहते हैं। राम इज ऑल्सो कॉल्ड गॉड। बार बार ऐसे क्यों रिपीट करते हैं कि मैं कृष्ण में नहीं आता हूँ? वाई डज ही रिपीट दिस आई डोंट कम इन कृष्णा? कभी कभी ऐसे भी तो कहना चाहिए मैं राम में नहीं आता हूँ। ही शुड ऑल्सो से दिस समटाइम्स आई डोंट कम इन राम। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, एक ही बात बार बार बोलना। कृष्णा इज नॉट गॉड ऑफ द गीता सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ये भी तो बोलना चाहिए कि भगवान राम नहीं है। ही शुड ऑल्सो से राम इज नॉट गॉड। कहीं मुरली में बोला? हैज इट बीन मेंशन्ड एनीवेयर इन द मुरली? क्या? व्हाट? कि भगवान राम नहीं है। दैट राम इज नॉट गॉड। या राम बाप को नहीं कहा जाता है? और द फादर इज नॉट कॉल्ड राम? कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, माना बच्चा बुद्धि को कहा जाता है। अ चाइल्ड मीनिंग द वन विद अ चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट इज कॉल्ड कृष्णा। ये तो बोला। दिस वॉज सर्टनली सेड। लेकिन राम बच्चे को कहा जाता है, बच्चा बुद्धि को कहा जाता है, ऐसे नहीं बोला। बट इट वॉजंट सेड अ चाइल्ड द वन विद अ चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट इज कॉल्ड राम। बच्चा माना रचना, बाप माना रचयिता। चाइल्ड मीन्स क्रिएशन एंड फादर मीन्स क्रिएटर। इससे साबित हुआ कि वो निराकार ज्योति बिंदु शिव राम बाप में बाप भगवान बन के आता है। दिस प्रूव्स दैट द इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट शिव कम्स इन द फॉर्म ऑफ गॉड द फादर इन द बॉडी ऑफ द फादर राम। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज में नहीं आता भगवान बन करके। He doesn't come in the form of God in the body of Krishna, alias Dada Lekhraj. Godfather ban karke nahi aata. He doesn't come in the form of God the Father in him. Duniya wale dekhte bhi hain Brahma Vishnu Shankar. The worldly people also see Brahma Vishnu Shankar. Kehte bhi hain Dev Dev Mahadev. They also say Dev Dev Mahadev, that is the greatest deity. देव ब्रह्मा देव विष्णु देव महादेव। द डीटी ब्रह्मा द डीटी विष्णु एंड द डीटी महादेव। फिर भी नहीं जान पाते। स्टिल दे आर अनेबल टू नो द ट्रूथ। इन बातों को तुच्छ बुद्धि मनुष्य नहीं जानते हैं। द ह्यूमन बींग्स विद अ वर्थलेस इंटेलेक्ट डोंट नो दीज टॉपिक्स। क्योंकि सबको माया ने तुच्छ बनाई दिया है। बिकॉज माया हैज मेड एवरीवन वर्थलेस। वो समझते हैं विष्णु सूक्ष्म बतन में रहने वाला है। दे थिंक विष्णु इज द रेजिडेंट ऑफ द सटल वर्ल्ड। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर अगर सूक्ष्म बतन में रहने वाले होते तो इस दुनिया में उनके चित्र कहाँ से आ गए? वेल इफ ब्रह्मा विष्णु शंकर वर द रेजिडेंट्स ऑफ द सटल वर्ल्ड हाउ डिड देयर पिक्चर्स कम इन दिस वर्ल्ड? विष्णु के तो चित्र बहुत दिखाए जाते हैं। मेनी पिक्चर्स ऑफ विष्णु आर शोन। तो सूक्ष्म बतनवासी नहीं साबित होता। सो ही इज नॉट प्रूव्ड टू बी द रेजिडेंट ऑफ द सटल वर्ल्ड। वास्तव में वो युगल रूप है प्रवृत्ति मार्ग वाला। इन रियलिटी दैट इज अ कपल फॉर्म द फॉर्म ऑफ द हाउस होल्ड पाथ। मात और पिता के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। द सोल्स हु प्ले द रोल इन द फॉर्म ऑफ द मदर एंड द फादर इन प्रैक्टिस। वो आत्माएं
अपनी सहयोगिनी शक्तियों के साथ जो पार्ट बजाती हैं, द रोल दैट दे प्ले विद देयर कोऑपरेटिव पावर्स, उनके संस्कारों का मेल विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर संस्कार्स इज कॉल्ड विष्णु चतुर्भुज, मीनिंग द वन विथ फोर आर्म्स। इसलिए विष्णु को चार भुजाएं देते हैं। दिस इज व्हाई विष्णु इज शोन विथ फोर आर्म्स। चार भुजा माने चार आत्माएं हैं मददगार के रूप में। फोर आर्म्स मीन्स देयर आर फोर सोल्स इन द फॉर्म ऑफ हेल्पर्स। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, सरस्वती इज शोन विद ब्रह्मा, और शंकर के साथ पार्वती, एंड पार्वती इज शोन विद शंकर। परंतु शंकर का पार्ट, विनाश का पार्ट शंकर नहीं बजाता। बट द रोल ऑफ शंकर, शंकर डजंट प्ले द रोल ऑफ डिस्ट्रक्शन। असुर संहारिणी शक्ति कही जाती है। द शक्ति इज कॉल्ड असुर संहारिणी, मीनिंग द डिस्ट्रॉयर ऑफ द डीमंस। महाकाली के रूप में, असुर संहारिणी के रूप में पूजा होती है। शी इज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ महाकाली असुर संहारिणी। वो जगदम्बा का स्वरूप है। शी इज द फॉर्म ऑफ जगदम्बा। वो जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है। दैट जगदम्बा इज द मदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। देखा जाए तो जो पहला ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, इफ वी कंसिडर इवन द फर्स्ट ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी प्रजापिता तब कहा जाता है ब्राह्मण तब बनता है जब ब्रह्मा के मुख से बात सुने। ही इज कॉल्ड प्रजापिता, ही बिकम्स अ ब्राह्मण ओनली वेन ही लिसन्स टू द वर्शन्स थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा। ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता नहीं हो सकता। ही कांट बी प्रजापिता विदाउट बिकमिंग अ ब्राह्मण। ब्राह्मण बनता ही तब है जब ब्रह्मा के मुख से सुने। ही बिकम्स अ ब्राह्मण ओनली वेन ही लिसन्स थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा। तो आदि ब्रह्मा कौन हुआ? सो हु इज द आदि ब्रह्मा, दैट इज द फर्स्ट ब्रह्मा। जिस ब्रह्मा के मुख से प्रजापिता ने भी पहली पहली बार सुना। इट इज द ब्रह्मा थ्रू हूज माउथ प्रजापिता हर्ड द फैक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ब्रह्मा मुख वंशावली पहला पहला ब्राह्मण हुआ प्रजापिता। सो प्रजापिता बिकेम ब्रह्मा मुख वंशावली, दैट इज बॉर्न फ्रॉम द माउथ, मीनिंग द नॉलेज, द फर्स्ट ब्राह्मण। परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। बट ब्रह्मा इज नॉट वर्शिप्ड। ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती। There are no idols of Brahma made. Brahma के मंदिर नहीं बनते। There are no temples of Brahma built. तीन तबकों में ब्रह्मा को नीचे तबके में दिखाया जाता है। Among the three levels of the subtle world, Brahma is shown at the lowest level. आदि ब्रह्मा के रूप में जिस माता ने पार्ट बजाया, उस माता के चले जाने के बाद कार्यवाहक रूप में जिस ब्रह्मा ने पार्ट बजाया, वो कृष्ण बच्चे की आत्मा है। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द मदर हु प्लेड द रोल इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रह्मा, द ब्रह्मा हु वॉज एक्टिंग एज द मदर इज द सोल ऑफ द चाइल्ड कृष्णा। कृष्ण बच्चा वो माता का फर्स्ट क्लास पार्ट बजाता है। द चाइल्ड कृष्णा प्लेज द फर्स्ट क्लास रोल ऑफ द मदर। माता के अंदर जो विशेष गुण होता है सहन शक्ति, वो सहन शक्ति का आगार बन करके पार्ट बजाता है। ही प्लेज द रोल आफ्टर बिकमिंग द स्टोर हाउस ऑफ द पावर ऑफ टॉलरेंस, द स्पेशल क्वालिटी दैट इज इन अ मदर। तो वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ऐसे मुरली में बोला। सो इट इज सेड इन द मुरली, इन रियलिटी दिस ब्रह्मा इज योर जगदम्बा। जिसने कार्यवाहक रूप में
माता के रूप में सहन शक्ति का फर्स्ट क्लास पार्ट बजाया। द वन हु प्लेड द फर्स्ट क्लास रोल ऑफ द वन हु हैज द पावर ऑफ टॉलरेंस इन द फॉर्म ऑफ द मदर द एक्टिंग मदर वो है जगदम्बा। ही इज जगदम्बा। लेकिन जब तक तन पुरुष का है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। बट अंटिल इट इज अ मेल बॉडी ऑल द मेन आर दुर्योधन दुशासन विलनस कैरेक्टर्स इन द एपिक महाभारत। इसलिए पूजा नहीं जाता। दिस इज व्हाई ही इज नॉट वर्शिप्ड। क्योंकि माँ के रूप में परमात्मा ने उसके तन में पार्ट बजाया। बिकॉज द सुप्रीम सोल प्लेड अ रोल इन द फॉर्म ऑफ द मदर थ्रू हिज बॉडी। वही ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है। When the same Brahma leaves his body, तो शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्ची में पार्ट बजाता है। Then after leaving the body, he plays a role in a Brahmin daughter. जो बच्ची यज्ञ के आदि में जगदम्बा थी। The daughter who was Jagadamba at the beginning of the yagya. पहला आदि ब्रह्मा थी। Who was the very first Brahma? वही शरीर छोड़ने के बाद दूसरे जन्म में माता बनती है। She herself becomes a mother, that is female, after leaving the body in the following birth. जगत पिता के साथ जगदम्बा के रूप में संसार में मान्यता प्राप्त करती है। She is recognized in the world in the form of Jagadamba, meaning the world mother, along with Jagat Pita, meaning the world father. उसमें कार्यवाहक ब्रह्मा जो माँ का सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो प्रवेश कर जाती है। द एक्टिंग मदर ब्रह्मा द सोल हु प्लेस द रोल ऑफ द मदर इन द मोस्ट एलिवेटेड वे एंटर्स हर। तो जगदम्बा के रूप में किसकी मान्यता होनी चाहिए? सो हु शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ जगदम्बा? जैसे ब्रह्मा के तन में शिव आया। जस्ट एज शिव एंटर्ड द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। राम के तन में शिव आया। शिव एंटर्ड द बॉडी ऑफ राम। राम के तन में आकर के बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाता है। ही प्लेस द रोल ऑफ द फादर द टीचर एंड द सदगुरु आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ राम। ब्रह्मा के तन में माता का पार्ट बजाता है। ही प्लेस द रोल ऑफ द मदर इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। तो किसके लिए गायन होता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सो फॉर हुम इज इट प्रेस्ड? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तम माना एक। त्वम मीन्स वन। संस्कृत में कहते हैं त्वम युवाम माना तुम दो, यूयम माना तुम सब। इट इज सेड इन संस्कृत त्वम युवाम मीन्स यू टू एंड यूयम मीन्स ऑल ऑफ यू। तम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। तो त्वम माना तू दाऊ। सो त्वम मीन्स यू दाऊ। वो एक कौन है जिसके लिए गाते हैं तू ही मेरी माता है तू ही मेरा पिता है? कौन सी आत्मा हुई? हु इज दैट वन फॉर होम दे सिंग यू अलोन आर माई मदर एंड यू अलोन आर माई फादर? हु इज दैट सोल? शिव आत्मा हुई। द सोल इज शिव। ऐसे ही जगदम्बा के रूप में जिसका गायन है प्रैक्टिकल पार्ट बजाया वो आत्मा कौन? सिमिलरली द वन हु इज प्रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ जगदम्बा हु प्लेड द रोल इन प्रैक्टिस हु इज दैट सोल? अ स्टूडेंट सेड ब्रह्मा। आत्मा का गायन होता है या शरीर का गायन होता है? इज द सोल प्रेज्ड और इज द बॉडी प्रेज्ड? आत्मा का गायन होता है। द सोल इज प्रेज्ड। दाढ़ी मूछ वाले रूप में जब पार्ट बजाया सहन शक्ति का तो जगदम्बा का गायन नहीं हुआ। When he played the role of the one with the power of tolerance through the form of the one with a beard and a mustache, he wasn't praised as Jagadamba. क्योंकि कन्याओं माताओं को संभाल करने के लिए ओम राधे जगदम्बा निमित्त बनी। It is because Om Radhe Jagadamba became the instrument to take care of the virgins and the mothers. वो भी पार्ट धारी थी।
शी टू वॉज एन एक्टर फॉर द रोल ऑफ मदर. कार्यवाहक थी. शी वॉज द एक्टिंग मदर. वास्तव में ओरिजिनल जगदम्बा नहीं थी. इन रियलिटी शी वॉज नॉट द ओरिजिनल जगदम्बा. लेकिन ब्रह्मा के साथ जिसे जगदम्बा का मुरली में टाइटल दिया है कि वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है. बट अलोंग विथ ब्रह्मा द वन हु इज गिवन द टाइटल ऑफ जगदम्बा इन द मुरली बाय मेंशनिंग इन रियलिटी दिस ब्रह्मा इज योर जगदम्बा. उसके साथ कदम के पीछे कदम रख करके पार्ट किसने बजाया. हु प्लेड द रोल ऑफ फॉलोइंग हिम एट एवरी स्टेप. संस्कार मिला के किसने दिखाया पहले पहले ब्राह्मणों की दुनिया में. ओम राधे जगदम्बा. हु प्रूव्ड हरसेल्फ फर्स्ट इन द ब्राह्मण वर्ल्ड बाय हार्मोनाइजिंग द संस्कार्स विथ हिम. ओम राधे जगदम्बा. इसलिए देवियों में वो मुख्य देवी साबित हो जाती है. दिस इज वाई अमंग द फीमेल डीटीज देवी शी इज प्रूव्ड टू बी द मेन देवी. अब चूंकि ब्रह्मा को जगदम्बा कह दिया है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है. नाउ सिंस ब्रह्मा हैज बीन कॉल्ड जगदम्बा बाय सेइंग इन रियलिटी दिस ब्रह्मा इज योर जगदम्बा. तो ओम राधे मम्मा जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी. सो ओम राधे मम्मा द वन हु यूज्ड टू फॉलो ब्रह्मा. ऊंची स्टेज में उसे रखा जाए या जिसको फॉलो करती थी उसे रखा जाए. शुड शी बी हेल्ड इन अ हाई स्टेज और शुड द वन हुम शी यूज्ड टू फॉलो बी हेल्ड इन अ हाई स्टेज. अ स्टूडेंट द वन हुम शी यूज्ड टू फॉलो. उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करता था. द सुप्रीम सोल शिव यूज्ड टू एंटर हिम. और ओम राधे जगदम्बा में परमात्मा शिव प्रवेश नहीं करता था. एंड द सुप्रीम सोल शिव डिडंट एंटर ओम राधे जगदम्बा. इसलिए बोला कि देवी एक ही है. दिस इज वाई इट इज सेड देयर इज ओनली वन देवी. लेकिन अलग अलग रूपों में उसे एक ही देवी की पूजा होती है. बट दैट वन देवी हरसेल्फ इज वर्शिप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो कौन देवी हुई. सो हु इज दैट देवी. अ स्टूडेंट सेड जगदम्बा. जगदम्बा 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 अगर देवी है. इफ जगदम्बा इज द देवी. तो ब्रह्मा के लिए बोल दिया ब्रह्मा साबित होता है क्योंकि मुरली बोला है यह ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है. देन इट इज सेट फॉर ब्रह्मा दैट ही इज जगदम्बा. ब्रह्मा इज प्रूव्ड टू बी द देवी फ्रॉम दिस बिकॉज इट इज सेड इन द मुरली दिस ब्रह्मा हिमसेल्फ इज योर जगदम्बा. परंतु तन पुरुष का है. बट ही हैज अ मेल बॉडी. इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इस ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाले को कैसे रखा जाए. Therefore, how will this Brahma with a beard and a mustache be kept in charge of the virgins and mothers? इसलिए जगदम्बा सरस्वती ओम राधे निमित्त बनी हुई है. This is why जगदम्बा सरस्वती ओम राधे is made the instrument. तो कौन हुई पहली देवी. ओम राधे सरस्वती वो तो निमित्त बनी इसलिए कि दादा लेखराज ब्रह्मा का तन पुरुष का था. सो हु इज द फर्स्ट देवी. अ स्टूडेंट ओम राधे सरस्वती. अरे ओम राधे सरस्वती वॉज मेड द इंस्ट्रूमेंट जस्ट बिकॉज दादा लेखराज ब्रह्मा हैड अ मेल बॉडी. अगर पुरुष का तन न होता तो. वॉट इफ ही डिडंट हैव अ मेल बॉडी. तो कौन थी जगदम्बा वास्तव में. देन हु वॉज जगदम्बा इन रियलिटी. अ स्टूडेंट ब्रह्मा. ब्रह्मा ही जगदम्बा हुई ना. ब्रह्मा हिमसेल्फ इज जगदम्बा इजेंट ही. तो पहली पहली देवी फिर कौन हुई. सो हु इज द फर्स्ट देवी. जो यज्ञ के आदि में पहले पहले निमित्त बनी वो हुई सुनाने के लिए. इज शी द वन हु बिकेम द इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू नरेट द विजन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ. या उसको भी सुनाने वाली कोई दूसरी थी. और वॉज देयर समवन एल्स हु नरेटेड द विजन्स इवन टू हर. यज्ञ के आदि में जिस माता ने प्रजापिता को सुनाया वो थी गीता माता. द मदर हु नरेटेड द विजन्स टू प्रजापिता इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ वॉज द मदर गीता गीता माता. लेकिन गीता माता को भी किसने सुनाया.
है। बट हु नरेटेड देम इवन टू द मदर गीता? अ स्टूडेंट, दादा लेखराज। दादा लेखराज ब्रह्मा ने सुनाया, क्योंकि उनको साक्षात्कार हुए थे। दादा लेखराज ब्रह्मा नरेटेड द विजन्स बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड द विजन्स। तो दूसरा जन्म लेकर के सहन शक्ति का जो विशेष गुण है माता का, वो किसके द्वारा बजाया गया? So, through whom was the role of the power of tolerance, which is the special quality of the mother, played in the following birth? जिसको टाइटल दिया बाबा ने, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। Through the one to whom Baba gave the title, in reality this Brahma is your Jagadamba. इसलिए कहा एक ही देवी है जो अनेकों में प्रवेश करके अलग अलग देवियों के रूप में पार्ट बजाती। दिस इज वाई इट वॉज सेड देर इज ओनली वन देवी हु एंटर्स मेनी फीमेल बॉडीज एंड प्लेस द रोल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट देवीज। दादा लेखराज का तंग छूट जाता है। दादा लेखराज लीव्स हिज बॉडी। अगले जन्म में जिस माता में प्रवेश करते हैं, द मदर होम ही एंटर्स इन द नेक्स्ट बर्थ, उस माता के द्वारा सारे संसार में जगदम्बा की रूप में उनकी पूजा होती है। He is worshipped in the entire world in the form of Jagadamba through that mother. दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के रूप में भल पूजा नहीं होती है, लेकिन उसी आत्मा की जगदम्बा के रूप में माता के चोले में प्रवेश करने के बाद पूजा होती है। Although he is not worshipped in the form of Brahma with a beard and a mustache, the same soul is worshipped in the form of Jagadamba after entering the body of the mother. तो असली जगदम्बा कौन सी आत्मा हुई? So which soul is the real Jagadamba? जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव शिव के लिए है कहा जाता है। Just as it is said, त्वमेव माता च पिता त्वमेव only for शिव। ऐसे ही जगदम्बा किसे कहा जाए? Similarly, who should be called Jagadamba? है? दादा लेखराज ब्रह्मा, जो काम करे उसका नाम पड़े। दादा लेखराज ब्रह्मा, the one who performs the task gets the name. काम न करे तो नाम न पड़े। शास्त्रों में जो भी नाम है इस आधार पर है। If he doesn't perform the task, he doesn't get the name. All the names in the scriptures are based on what? काम के आधार पर नाम है। द नेम्स आर बेस्ड ऑन द टास्क परफॉर्म्ड। रावण, रुलाने वाला रावण। रावण, द वन हु मेक्स अदर्स क्राई इज रावण। युधिष्ठिर, जो अंत तक युद्ध में स्थिर रहे। युधिष्ठिर, द वन हु रिमेन्स स्टेडी इन द वॉर टिल द एंड। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, देह बल छूट जाए। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, मीनिंग ऑल्दो द बॉडी इज लेफ्ट, तो भी जब तक सृष्टि का नाश नहीं हो जाएगा। अंटिल द ओल्ड वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड, नई सृष्टि जब तक बन न जाए तब तक वो अपना काम करना छोड़ने वाला नहीं है। अंटिल द न्यू वर्ल्ड बिकम्स रेडी ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप डूइंग हिज वर्क। कहते हैं ना, अरे हम मर भी जाएंगे तो भूत बन करके काम करेंगे। इट इज सेड, अरे इवन इफ वी डाई वी विल बिकम अ गोस्ट एंड डू द टास्क, इजंट इट? तो ब्रह्मा का पार्ट वास्तव में किसका हुआ? सो हूज रोल इज द रोल ऑफ ब्रह्मा इन रियलिटी? ब्रह्मा माने ही जगदम्बा। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ। ब्रह्मा इटसेल्फ मीन्स जगदम्बा। ब्रह्म मीन्स सीनियर एंड माँ मीन्स मदर। जगत माना सारा जगत, माँ माने माँ। जगत मीन्स द एंटायर वर्ल्ड एंड माँ मीन्स मदर। सारे जगत की माँ तो सबसे बड़ी माँ हुई ना। द मदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, सो शी इज द सीनियर मोस्ट मदर, इजंट शी? तो ब्रह्मा के रूप में वो पार्ट हुआ। सो दैट इज द रोल इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा, जो अष्ट शक्तियों के रूप में, नौ देवियों के रूप में गाया जाता है। विच इज प्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द एट शक्तिस, मीनिंग फीमेल डीटीज, इन द फॉर्म ऑफ द नाइन देवीज। ब्रह्मा हुई आत्मा। ब्रह्मा इज द सोल। और जगदम्बा के रूप में जो चोला दिखाया जाता है वो हुआ डब्बा। एंड द बॉडी विच इज शोन इन द फॉर्म ऑफ जगदम्बा इज द बॉक्स। डब्बा, शरीर, शरीर। डब्बा का आत्मा नहीं। अ स्टूडेंट,
Doesn't the box have its own soul? वो अपनी आत्मा है, लेकिन सहन शक्ति का वो पार्ट नहीं बजाया जो माता को बजाना चाहिए. It certainly has its own soul, but it didn't play the role of the power of tolerance that a mother should play. वो किसने बजाया? Who played that role? ब्रह्मा ने बजाया. ब्रह्मा played it. इस आधार पर शरीर को महत्व जाता है, शरीरधारी को महत्व जाता है, या जो आत्मा कार्य करके दिखाती है उसको महत्व जाता है. On this basis, does the importance go to the body, to the bodily being, or to the soul who performs the task? कार्य करने वाली आत्मा को महत्व जाता है. The importance goes to the soul who performs the task. जैसे क्राइस्ट ऊपर से प्रवेश करता है. Just as Christ enters after descending from above. क्रिश्चियन धर्म स्थापन करता है. He establishes the Christian religion. जीसस में प्रवेश करता है. He enters Jesus. तो जीसस गाया जाता है या क्राइस्ट गाया जाता है? So is Jesus praised or is Christ praised? जीसस में क्राइस्ट गाया जाता है. A student, Christ is praised in Jesus. जीसस में क्राइस्ट गाया जाता है, लेकिन आत्मा कौन सी याद की जाती है? Christ is praised in Jesus, but which soul is remembered? वो जीसस वाली देव आत्मा याद की जाती है. Is that deity soul Jesus remembered? या क्राइस्ट की आत्मा क्रिश्चियन याद करते हैं? Or do the Christians remember the soul of Christ? क्रिश्चियन किसे याद करते हैं? Christ. Whom do the Christians remember? A student, Christ. ऊपर से आने वाली सात्विक आत्मा को याद करते हैं. Do they remember the सात्विक, meaning pure soul who comes from above? या जिस तमो प्रधान आत्मा में प्रवेश करता है क्राइस्ट, उसको याद करते हैं? Or do they remember the तमो प्रधान soul whom Christ enters? प्रवेश करने वाला. A student said, the one who enters. ऊपर से आने वाली सात्विक आत्मा. The one who comes from above is the सात्विक soul. और नीचे वाली? तमो प्रधान आत्मा. किसको याद करते हैं? And the one who is down, that is in the corporeal world, is a tamo pradhan soul. Whom do they remember? Sattvik atma ko yaad karte hain. They remember the sattvik soul. Aise hi Krishna urfa Dada Lekhraj Brahma ki soul, wo bhi Jagadamba mein pravesh karti hai. Similarly, the soul of Krishna alias Dada Lekhraj Brahma also enters Jagadamba. क्योंकि शरीर का नाम पड़ता है जगदम्बा, आत्मा का नाम नहीं पड़ता. इट इज बिकॉज द बॉडी इज नेम्ड जगदम्बा, द सोल इज नॉट नेम्ड. दुनिया आत्मिक रूप में किसी को पहचानने वाली है या देह के रूप में पहचानती है? डज द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज समवन इन द फॉर्म ऑफ अ सोल और इन द फॉर्म ऑफ अ बॉडी? अ मदर इन द फॉर्म ऑफ अ सोल. आत्मिक रूप में पहचानती है. Does it recognize them in the form of a soul? Everyone said in the form of a body. आत्मिक रूप में आत्मिक दृष्टि ही नहीं है किसी की, तो पहचानेगी कैसे? As for the soul conscious form, no one has a soul conscious vision at all. Then how will they recognize them in the form of the soul? तो देह के रूप में दुनिया देखती है. So the world sees everyone in the form of the body. क्राइस्ट की भी जो पूजा हो रही है, इवन इन द केस ऑफ क्राइस्ट हु इज बीइंग वर्शिप्ड, वो देहधारी कौन है? हु इज दैट बॉडीली बीइंग? जीसस. स्टूडेंट, जीसस. ही इज जीसस. लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? क्राइस्ट. बट हु इज द सोल हु प्लेज द रोल? इट इज क्राइस्ट. तो क्राइस्ट वाली आत्मा का गायन है. सो द सोल ऑफ क्राइस्ट इज प्रेज्ड. उसके चित्र लगाते हैं ऊंचे स्थान पर. दे पुट हिज पिक्चर एट अ हाई प्लेस. उसका चित्र आए नहीं? जीसस का चित्र लगाते हैं, लेकिन चित्र लगाते लगाने वाले ये नहीं जानते. अ स्टूडेंट सेड, देयर इज नो पिक्चर ऑफ हिम, इट इज द पिक्चर ऑफ जीसस. नो, दे डू पुट अप द पिक्चर ऑफ जीसस, बट द वंस हु पुट अप द पिक्चर डोंट नो कि ये जो चित्र है उसमें चरित्र बनाने वाला कौन है. हु प्लेज द रोल इन दिस पिक्चर? चरित्र किसने किया क्राइस्ट का? हु प्लेड द रोल ऑफ क्राइस्ट? वो नहीं जानते. दे डोंट नो दिस. और हम बच्चे? एंड वॉट अबाउट अस चिल्ड्रन?
हम बच्चे क्या देखते हैं? हम आत्मा को देखते हैं कि शरीर को देखते हैं? What do we children see? Do we see the soul or the body? हम बच्चे आत्मा को देखते हैं। We children see the soul. तो जो आत्मा को देखते हैं, जरूर वो देवात्मा होंगे। So the ones who see the soul will certainly be deity souls. और जो देह को देखते हैं, वो क्या हुए? And who are the ones who see the body? राक्षस हुए। They are the demons. देवात्मा और दैत्यात्मा, ये दो अलग अलग हैं। The deity soul and the demon soul. These are two different souls. दादा लेखराज ब्रह्मा में भी शिव ने जब प्रवेश किया। Even when Shiv entered दादा लेखराज ब्रह्मा, तो जिन्होंने ब्रह्मा दादा लेखराज को देखा, The ones who saw ब्रह्मा दादा लेखराज, उनके चित्र और चेहरे को याद करते रहे, Who kept remembering his picture and face, उनकी गोद का सुख लेते रहे, वो हो गए पुखवंशावली राक्षसी ब्राह्मण। Who continued to take the pleasure of his lap are the Kukhvanshavali demonic Brahmins. Kukhvanshavali, progeny born on the lap, meaning the physical affection. और जिन्होंने मुख से निकली हुई बात को फॉलो किया। And the ones who followed the words that came out of his mouth. मुख से निकली हुई मुरली को फॉलो किया। Who followed the मुरली narrated through his mouth. मुरली से प्यार किया। मुरली से प्यार माना? मुरलीधर से प्यार। Loved the मुरली। It is said, love for the मुरली means love for the मुरलीधर, meaning the narrator of the मुरलीस। वो देवात्मा बन गई। They became the deity souls. 84 जन्म लेने वाली। The ones who have 84 births. उनकी संख्या कितनी है? What is their population? 9,16,108 आत्मा निकलती हैं इतनी 500-700 करोड़ की सृष्टि में से। 9,16,108 souls emerge from among the world of 5 to 7 billion souls. 9 lakh, that is 900,000. जिन्होंने मुख से निकले हुए ज्ञान को पहचाना। Who recognized the knowledge that came out of the mouth? उनमें भी 4.5 लाख ऐसे हैं जो आँख बंद करके पहचानने वाले। Even among them, 4.5 lakh, that is 450,000, are such who recognize it blindly. जैसे आँखों के अंधे। As if they are blind. इसलिए नाम पड़ा धृतराष्ट्र। This is why they are named धृतराष्ट्र। सारी धन संपत्ति को धर के बैठने वाले। The ones who take the entire wealth and property under their control. यज्ञ के आदि में यज्ञ की जो भी सत्ता थी। In the beginning of the यज्ञ, all the power of the यज्ञ, चाहे धन की, चाहे तन की, whether it is of the wealth or of the body, और चाहे यज्ञ के अंदर जो भी मान मर्तबा होता है, उस मान मर्तबे की सत्ता, and whether it is the power of the respect and position that is given in the यज्ञ, वो कौन धर के बैठ गया? Who took it under his control? और किसके लिए ये गायन है? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का रही। And for whom is it praised? Alaf found Allah, meaning God. Bay received the sovereignty. The telegram of Allah came, and he became a traveler in a train. Alaf ko mila Allah, Bay badshahi sari bhagidar ko saup di. Alaf found Allah, and entire Bay badshahi, meaning the kingdom, was handed over to the partner. Ye gayan kiske liye hai? This praise is for whom? किसने किसको सौंप दी? A student, Prajapita, who handed over the kingdom to whom? भागीदार तो दोनों ही थे। Both were the partners. दुकान में भागीदार तो दोनों ही थे ना? एक ने धन लगाया, दूसरे ने तन लगाया, बुद्धि लगाई। In the shop, both were the partners indeed. Weren't they? One of them invested his wealth and the other one invested the power of the body and the intellect. तो ये गायन किसके लिए है? So this praise is for whom?
अरे प्रजापिता, अरे स्टूडेंट्स प्रजापिता। अलफ को मिला अल्लाह, अलफ माना जो खड़ा रहे पुरुषार्थ में। अलफ फाउंड अल्लाह, समवन सेड सेवक राम। अलफ मीन्स द वन हु स्टैंड्स इन पुरुषार्थ, मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट। आदि में भी खड़ा था, मध्य में भी खड़ा रहता है और अंत में भी खड़ा रहता है। ही वॉज स्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ही रिमेन्स स्टैंडिंग इन द मिडल एज वेल एज एट द एंड। हिम्मत हारने वाला नहीं है। ही इज नॉट द वन हु लूजेस करेज, और बे मना पड़ा डंडा। ब्रह्मा बाबा पड़ा हुआ। एंड बे मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, अ स्टूडेंट ब्रह्मा बाबा। द वन हु इज लाइंग डाउन, हिम्मत हार गया। ही लॉस्ट करेज, हार्ट अटैक मना। वॉट डज हार्ट अटैक मीन? बाबा कहते हैं जब विनाश होगा तो जो आज की दुनिया के बड़े बड़े आदमी हैं, मल्टी मिलियनायर हैं, अरबपति हैं, उन सबके हार्ट फेल होने लगेंगे। जस्ट एज बाबा सेज, व्हेन द डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस द बिग पीपल ऑफ टूडेज वर्ल्ड ऑल द मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स विल स्टार्ट टू हैव अ हार्ट फेलियर। क्यों होने लगेंगे? व्हाई विल दे हैव अ हार्ट फेलियर? हम तो आत्मा मुरलियों में बोला है योगियों का तो हार्ट फेल नहीं होता। इट इज सेड इन द मुरलीज द योगी सर्टनली डोंट हैव अ हार्ट फेलियर। और उनके हार्ट फेल होने लगेंगे। एंड दे विल हैव अ हार्ट फेलियर। तो जो भोगी होते हैं उनका हार्ट कमजोर होता है। सो इज द हार्ट ऑफ द भोगीज मीनिंग द प्लेजर सीकर्स वीक? या जो योगी होते हैं उनके हार्ट कमजोर होता है। और इज द हार्ट ऑफ द योगीज वीक? भोगियों का हार्ट कमजोर होता है और योगियों का हार्ट पावरफुल होता है। द हार्ट ऑफ द भोगीज इज वीक एंड द हार्ट ऑफ द योगीज इज पावरफुल। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात का बाण मार दिया। If someone said something, shot an arrow of words. घाव हो गया और मर गए। जो शास्त्रों में गायन है। We became wounded and died, like it is famous in the scriptures. कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? कि कृष्ण भगवान था। What do they say for Krishna? Krishna was God. कैसा भगवान? What type of God? इतना बड़ा भारी महाभारत युद्ध कराई दिया। He waged such a great, massive Mahabharat war. सारी दुनिया में revolution कर दिया। He brought up a revolution in the entire world. क्रांति करने वाला पार्ट था। His role was revolutionary. फिर क्या हुआ? अंत क्या हुआ? एक बहेलिये ने तीर मारा, पाँव में थोड़ा घायल हुआ और खेल खला। Then what happened? What was the end of the story? A hunter shot an arrow. He was wounded a little in his foot and the game was over. ये इतना बड़ा बितंडावाद कृष्ण के लिए किसने खड़ा किया? Who made up such a big tale for Krishna? ये शूटिंग कहाँ होती है? When does this shooting take place? A student in the confluence age. किसके द्वारा होती है? Through whom does it take place? ये ब्रह्मा को, दादा लेखराज ब्रह्मा को उर्फ कृष्ण को साकार में भगवान मानने की शूटिंग करने वाले कौन? Who are the ones to perform the shooting of considering Brahma, Dada Lekhraj Brahma alias Krishna as God in the corporeal form? 63 जन्म में जिन्होंने शास्त्र लिखे वो तो बाद में। The ones who wrote the scriptures in the 63 births, they did it afterwards. लेकिन जब इस ड्रामा की शूटिंग होती है। But when the shooting of this drama takes place, उसमें शूटिंग करने वालों के ऊपर ये जिम्मेवारी जाती है कि उन्होंने देहधारी को भगवान मान लिया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज ऑन द वंस हु डू द शूटिंग ऑफ कंसिडरिंग अ बॉडीली बींग टू बी गॉड। और देहधारी भी कौन? एंड हु इज दैट बॉडीली बींग? जो इस शक्ति रूपी वृक्ष का पहला देहधारी है, पहला पत्ता है। कौन है पहला पत्ता? ही इज द फर्स्ट बॉडीली बींग, द फर्स्ट लीफ ऑफ दिस ट्री लाइक वर्ल्ड। हु इज द फर्स्ट लीफ? इस सृष्टि का पहला देहधारी कौन? हु इज द फर्स्ट बॉडीली बींग ऑफ दिस वर्ल्ड? कृष्ण वाली सोल।
द सोल ऑफ कृष्णा, दादा लेखराज वाली सोल, द सोल ऑफ दादा लेखराज। बाबा कहते हैं जितने भी देहधारी हैं वो सब नीचे गिराने वाले। बाबा सेज ऑल द बॉडीली बीइंग्स आर द वंस हु मेक अदर्स फॉल। फिर ऊंचा उठाने वाला कौन? देन हु इज द वन हु लिफ्ट्स देम हाई? ऊंचा उठाने वाला कौन? हु इज द वन हु लिफ्ट्स देम हाई? जब मनुष्य सृष्टि के सारे ही मनुष्य मात्र सब देहधारी है। When all the human beings of the human world are bodily beings, सब नीचे गिराने वाले हैं। All are the ones who make others fall. फिर उठाने वाला कौन? शिव बाबा। Then who is the one who lifts them high? A student, Shiv Baba. उठाने वाला शिव नहीं कहा जा सकता। The one who uplifts can't be called Shiv. शिव माना ज्योति बिंदु, मेरी बिंदी का नाम शिव है। Shiv means the point of light. The name of my point is Shiv. Bindi nahi unchi utha sakti. A point can't uplift someone. Bindi bhi tab uncha uthati hai jab koi dehdhari mein pravesh kare. A point uplifts someone only when it enters a bodily being. To 500 700 crore manushya ki srishti. So in the world consisting of 5 to 7 billion human beings, उनमें से कौन सा देहधारी जिसमें प्रवेश करके सारी सृष्टि को उठाने के लिए निमित्त बनाए? Who is that bodily being whom he enters and makes the instrument to uplift the entire human world? और उसमें क्या सिफ्त है? And what quality does he have? कोई तो सिफ्त होनी चाहिए। There should certainly be some quality. जो सिफ्त है, जो विशेषता 500 700 करोड़ मनुष्यों में नहीं होती। A quality, a specialty which is not in the 5 to 7 billion human beings. वो कौन सी विशेषता है? Which specialty is it? है? A student, the incorporeal stage. नहीं तो निराकारी स्टेज तो शिव की है। No, the incorporeal stage is Shiv's stage. शिव सदा शिव है। Shiv is sada Shiv, meaning forever beneficial. वो तो सदा काल तो निराकारी नहीं रहता। He, meaning the one whom he enters, doesn't remain incorporeal forever. जिसमें प्रवेश करता है, वो सदा काल निराकारी है। Is the one whom he enters forever incorporeal? या सिर्फ थोड़े समय के लिए निराकारी बनता है? Or does he become incorporeal only for a short period of time? है? थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए निराकारी बनता है। A student, he becomes incorporeal for a short period of time. He becomes incorporeal for a short period of time. बाकी 84 जन्म तो लेता है। Otherwise, he does have 84 births. साकारी तो बनना पड़े। So he will certainly have to become corporeal. तो ये नहीं कहा जा सकता। So this can't be said to be the specialty. है? पहला बीज। हाँ, बीज। वो तो बीज सब आत्माएं हैं। A student, he is the first seed. Yes, the seed, all the souls are seeds anyway. हर आत्मा रूपी सितारे में अपना अपना अपनी अपनी एक दुनिया समाई हुई है। Every star like soul has its own world enclosed in itself. तो अपनी अपनी दुनिया के तो सब बीज हैं। So all are certainly the seeds of their own world. कोई छोटी दुनिया के बीज और कोई बड़ी दुनिया के बीज। सम आर द सीड्स ऑफ अ स्मॉल वर्ल्ड एंड सम आर द सीड्स ऑफ अ बिग वर्ल्ड। वो तो हैं। दे सर्टेनली आर दैट। लेकिन वो सिफ्त क्या है जो और बीजों में नहीं है? बट व्हाट इज द स्पेशलिटी इन हिम दैट द अदर सीड्स डोंट पजेस? अ स्टूडेंट, ही हैज 84 बर्थ्स। 84 जन्म में 4.5 लाख लेते हैं, 9 लाख लेते हैं। अटल ऑल द 450,000 सोल्स 900,000 सोल्स हैव 84 बर्थ्स। अ स्टूडेंट, ही इज अनशेकेबल। अनशेकेबल, समवन सेड ही इज द हाईएस्ट ऑन हाई। हाँ, ये बात ठीक है कि सच्चाई पर अडिग हो करके रहने वाली आत्माएं नंबर वार हैं। Yes, this is correct.
that the souls who remain steadfast with truth are number wise, that is, are all at different degrees. कोई सच्चाई पर अडिग रहती हैं आदि से अंत तक. Some remain steadfast with truth from the beginning till the end. और कोई झूठ के प्रभाव में आ जाती. And some come under the influence of falsity. झूठी दुनिया का ही रास्ता अपना लेते. They adopt the very path of the false world. तो एक राजा की कथा गाई जाती है. So the story of one king is sung about this. राजा हरिश्चंद्र. It is King Harishchandra, a king in the mythological stories known for his truthfulness. दूसरी कथा गाई जाती है सत्यनारायण की. Another story sung is of सत्यनारायण, meaning the true नारायण. एक की ही कथा है, कोई दूसरे मनुष्य मात्र की कथा नहीं है. These are the stories of only one and the same person, not of any other human being. पूजा मंदिरों में होती है लक्ष्मी नारायण दोनों की. लक्ष्मी एंड नारायण बोथ आर वर्शिप्ड इन द टेम्पल्स. लक्ष्मी का नाम पहले. द नेम ऑफ लक्ष्मी इज सेड फर्स्ट. और नारायण का नाम बाद में. एंड द नेम ऑफ नारायण इज आफ्टरवर्ड्स. फिर लक्ष्मी सच्ची होनी चाहिए. देन लक्ष्मी शुड बी ट्रू. सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं. Why isn't there the story of Satyalakshmi, meaning the true Lakshmi? Harishchandra ki katha hai. There is the story of Harishchandra. Satya Taramati ki katha kyon nahi kahi jati? Why isn't it said the story of Satya Taramati, wife of Harishchandra? Zarur. Ek hi atma hai, jo sachchai par atal rehti hai. Definitely, there is only one soul who remains firm with truth. और बाकी सब सितारे सच्चाई से हिल जाते हैं. एंड ऑल द अदर स्टार्स वेव अप फ्रॉम ट्रुथ. एक सच्चा और बाकी सारी दुनिया झूठ ही साबित हो जाती है. वन बीइंग इज प्रूव्ड टू बी ट्रू एंड द रेस्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज प्रूव्ड टू बी फॉल्स. इसलिए बोला कि एक है तारने वाला और बाकी सब है डुबोने वाले. This is why it was said, there is one who takes us across and all the others are the ones who drown us. वो एक की सच्चाई सृष्टि के आदि से लेकर के 5000 वर्ष की जो भी सृष्टि है वो सारी सृष्टि के चक्र में वो एक की सच्चाई काम करती है. The truth of the one from the beginning of the world in the entire cycle of the 5000 years world, the truth of that one works to keep the world going. Satya atal hota hai aur jhooth talne wala hota hai. Truth is unshakable and falsity shakes. Adigo hota hai, it meaning truth is firm. Mana satya ko sacche paon hote hain tikne ke liye. Means truth has true legs to stay firm. और झूठ को पांव नहीं होते. And falsity doesn't have those legs. झूठ तिरकता रहता है. Falsity keeps slipping. झूठा आदमी एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, दूसरे झूठे के पीछे तीसरा झूठ बोलता रहता है. A false man keeps saying lie after lie. जो सच्चा होगा वो सदैव सच्चा होगा. The one who is true will always be true. इसलिए वो एक सत्यधाम बनाने के निमित्त बनता है. दिस इज वाई दैट वन बींग बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट टू एस्टैब्लिश द ट्रू अबोर्ड. इसलिए बोला तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे. दिस इज वाई इट वॉज सेड यू चिल्ड्रन विल ब्रिंग डाउन द सुप्रीम अबोर्ड टू दिस वर्ल्ड. जो ऊपर परम धाम है कहा जाता है. द सुप्रीम अबोर्ड विच इज अबाव, विच इज सेड टू बी अबाव. सारी सृष्टि के चारों ओर परम धाम है. द सुप्रीम अबोर्ड विच इज देयर ऑल अराउंड द एंटायर वर्ल्ड. वो तो है ही है. इट इज इंडीड देयर. वो तो निराकारी दुनिया है. इट इज एन इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड. लेकिन इस सृष्टि पर भी, साकारी दुनिया पर भी निराकारी आत्माओं का संगठन इकट्ठा हो जाता है. बट इवन ऑन दिस वर्ल्ड, even on the corporeal world, the gathering of the incorporeal souls is assembled.
साकार में रहते हुए भी निराकारी। दे आर इनकॉर्पोरियल इवन वाइल बीइंग इन द कॉर्पोरियल बॉडी। तो ब्रह्मा को दिखाते हैं साकार। सो ब्रह्मा इज शोन टू बी कॉर्पोरियल। एक भी चित्र ऐसा नहीं है ब्रह्मा का जो निराकारी स्टेज वाला हो। देर इज नॉट इवन अ सिंगल पिक्चर ऑफ ब्रह्मा विथ एन इनकॉर्पोरियल स्टेज। और शंकर को दिखाते हैं जैसे सब धर्म पिताओं को दिखाया है निराकार। एंड शंकर इज शोन जस्ट लाइक ऑल द रिलीजियस फादर्स आर शोन टू बी इनकॉर्पोरियल। ऐसे शंकर को भी दिखाते हैं निराकार। सिमिलरली शंकर इज ऑल्सो शोन टू बी इनकॉर्पोरियल। परम धाम के सबसे नजदीक किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। Who is shown nearest to the Supreme Abode? Shankar is shown nearest to the Supreme Abode. तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये स्टेज बनाने के लिए जो आत्मा निमित्त बनती है उसको निमित्त कौन बनाता है? So the soul which becomes instrument to attain the stage of being incorporeal, voiceless and egoless, who makes him the instrument? Shiv Baba. Shiv Bap banata hai. A student, Shiv Baba. Shiv Bap, meaning the father Shiv makes him the instrument. Shiv Bap ke sang ke rang se. Due to the color of the company of the father Shiv. Mukarrar roop se pravesh hone ke karan. Due to entering him in a permanent way. वो आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। That soul also becomes incorporeal, voiceless and egoless. जब तक ये सच रूपी रंगमंच पर शूटिंग का कार्य होता है, रिकॉर्डिंग का कार्य होता है, रिहर्सल का कार्य होता है, तब तक ये पार्ट बजाने के निमित्त बन जाती है। Until the work of shooting, recording, rehearsal continues on this stage-like world, he becomes the instrument to play this role. फिर कृष्ण का नाम कैसे डाल दिया गया? कि कृष्ण गीता का भगवान है? Then why was the name of Krishna inserted in the Gita, mentioning that Krishna is God of the Gita? कृष्ण को रचयिता कैसे मान लिया गया? Why was Krishna considered to be the creator? यज्ञ के आदि में जो भी ब्राह्मणों की सृष्टि थी उस पर आधिपत्य जमा करके कौन बैठा? Who impressed his supremacy over the entire Brahmin world in the beginning of the yajna? और अधिष्ठाता कि स्टेज पर बिठाने वाले कौन थे? एंड हु वर द वंस टू मेक हिम सिट ऑन द स्टेज दैट इज सीट ऑफ गवर्नर? बैठा कौन और उसके बिठाने वाले कौन? हु सैट एंड हु मेड हिम सिट एज अ कंट्रोलर? कोई तो होंगे। देयर मस्ट बी समवन। कौन थे? हु वर दे? अ स्टूडेंट, द वन हु मेड हिम सिट एज अ कंट्रोलर इज प्रजापिता। प्रजापिता बिठाने वाला बिठा के गया था। इस प्रजापिता द वन हु मेड हिम सिट? डिड ही गो आफ्टर मेकिंग हिम सिट? कि झगड़ा हुआ था? झगड़ा हो गया। और डिड अ क्वारल टेक प्लेस? समवन सेड अ क्वारल टुक प्लेस। बिठाने वाला था या झगड़ा हुआ था यज्ञ के आदि में? वॉज ही द वन हु मेड हिम सिट और डिड अ क्वारल टेक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ? जो आदि में सो सो अंत में भी होता है। वट एवर हैपेंड इन द बिगिनिंग हैपेंस इन द एंड एज वेल। और आदि में ब्रह्मा बच्चा आगे नहीं बढ़ा। एंड इन द बिगिनिंग द चाइल्ड ब्रह्मा डिडंट स्टेप अहेड। कृष्ण बच्चा आगे नहीं था। द चाइल्ड कृष्णा वॉज नॉट इन फ्रंट। कौन था आगे? हु वॉज इन फ्रंट? आदि में भी माता निमित्त बनी थी। A mother became the instrument in the beginning as well. वो चाहे महाभारी महाभारत युद्ध के रूप में दिखाया जाए। Whether it is shown in the form of the massive war of Mahabharat. चाहे रामायण के युद्ध में दिखाया जाए। Whether it is shown in the war of Ramayana. और चाहे देवासुर संग्राम के रूप में दिखाया जाए। वो लड़ाई का निमित्त कौन बनता है?
और इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ द वॉर बिटवीन द डीटीज एंड द डीमंस देवासुर संग्राम हु बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर द वॉर द्रौपदी कैकेयी दीति अ स्टूडेंट द्रौपदी कैकेयी दीति कैकेयी नहीं सीता द्रौपदी निमित्त बनती है नॉट कैकेयी ओनली द्रौपदी बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट लक्ष्मी सीता निमित्त बनती है बाबा ने बताया है श्रीमत की लीका को तोड़ा समवन सेड लक्ष्मी सीता सीता बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट बाबा हैज सेड शी क्रॉस्ड द लाइन ऑफ श्रीमत तो सीता रावण की जेल में चली गई सो सीता वेंट इन टू द जेल ऑफ रावण ये नारी निमित्त बन जाती है दिस इज वाई अ वुमन बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट नारी क्यों निमित्त बनी नर क्यों नहीं निमित्त बना वाई डिड अ वुमन बिकम द इंस्ट्रूमेंट वाई डिडंट अ मैन बिकम द इंस्ट्रूमेंट नारी को शास्त्रों में निमित्त क्यों दिखाई दिया वाई वॉज अ वुमन शोन एज द इंस्ट्रूमेंट इन द स्क्रिप्चर्स नर को निमित्त नहीं दिखाया अ मैन वॉज नॉट शोन एज द इंस्ट्रूमेंट नर में भगवान क्यों आता है वाई डज गॉड कम इन द बॉडी ऑफ अ मैन नारी में क्यों नहीं आ जाता वाई डजंट ही कम इन द बॉडी ऑफ अ वुमन नारी चोले में आने में क्या अर्ज है वॉट इज द हार्म इन कमिंग इन द बॉडी ऑफ अ वुमन मुरली में तो बोला है जो भी कन्याएं माताएं हैं सब द्रौपदियां हैं सीताएं हैं पार्वतियां हैं इट इज सेड इन द मुरली ऑल द वर्जिन्स एंड द मदर्स आर द्रौपदीज सीतास पार्वतीस पुरुष सब दुर्योधन दुशासन एंड ऑल द मेन आर दुर्योधन एंड दुशासन सब दुर्योधन दुशासन ऑल आर दुर्योधन दुशासन सब माने कौन कौन ऑल मीन्स हु ऑल विश्व चतुर्भुज में कितनी आत्माएं काम करती हैं? हाउ मेनी सोल्स एक्ट इन द फॉर्म ऑफ विष्णु चतुर्भुज मीनिंग द फोर आर्म्स हैं? पांच ब्रह्मा ब्रह्मा सो विष्णु देर आर फाइव ब्रह्मा ब्रह्मा बिकम्स विष्णु मानो पांचों आत्माएं ब्रह्मा सो विष्णु बन जाती है इट मीन्स ऑल द फाइव सोल्स बिकम विष्णु फ्रॉम ब्रह्मा संपूर्ण तो बनती है लेकिन विष्णु बनने से पहले दुर्योधन दुशासन के रूप में कौन कार्य करते दे डू बिकम कम्प्लीट बट बिफोर बिकमिंग विष्णु हु एक्ट इन द फॉर्म ऑफ दुर्योधन दुशासन और सीता पार्वती और द्रौपदी के रूप में कौन कार्य करते एंड हु एक्ट इन द फॉर्म ऑफ सीता पार्वती एंड द्रौपदी कौन कौन है हु आर दे सीता जी अ स्टूडेंट ब्रह्मा एंटर्स जगदम्बा एंड प्लेस द रोल ऑफ महाकाली ब्रह्मा सो जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली का पार्ट बजाते चंडिका देवी का पार्ट बजाते ब्रह्मा एंटर्स जगदम्बा एंड अ स्टूडेंट प्लेस द रोल ऑफ महाकाली प्लेस द रोल ऑफ महाकाली ही प्लेस द रोल ऑफ चंडिका देवी चंडिका देवी का जो पार्ट है वो श्रेष्ठ भक्तों के द्वारा पूजा जाता है इज द रोल ऑफ चंडिका देवी वर्शिप्ड बाय एलिवेटेड डिवोटीज ये बंगी चमारों और चोर चकार डकैतों के द्वारा पूजा जाता है और इज इट वर्शिप्ड बाय स्वीपर्स चमार थीव्स एंड डकॉइट्स चमार मीन्स लो कास्ट हिंदूस हु प्रिपेयर लेदर प्रोडक्ट्स कॉबलर्स समवन सेड स्वीपर्स एंड चमार जो श्रेष्ठ तबके के लोग भक्त होते हैं उनके द्वारा क्यों नहीं पूजा जाता Why isn't it worshipped by the devotees of the elevated category? पूजा का आधार क्या होता है प्योरिटी What is the base of worship? प्योरिटी ब्राह्मणों का तबका होता है क्षत्रियों की जाति होती है There is the category of Brahmins, the caste of the Kshatriya, meaning the warrior class. और शूद्रों की भी जाति होती है एंड देर इज द कास्ट ऑफ द शूद्रा एज वेल शूद्रा मीनिंग अनटचेबल मेंबर्स ऑफ द फोर्थ एंड द लोएस्ट डिविजन ऑफ द इंडो आर्यन सोसाइटी प्योरिटी का जहाँ तक सवाल है वो ब्राह्मणों को ज्यादा ऊंचा माना जाता है एज फार एज प्योरिटी इज कंसर्न्ड
आर द ब्राह्मिन्स कंसिडर्ड हायर, या शूद्रों को ज्यादा ऊंचा माना जाता है? और आर द शूद्रास कंसिडर्ड हायर स्टूडेंट द ब्राह्मिन्स, ब्राह्मणों को ऊंच मानते हैं? द ब्राह्मिन्स आर कंसिडर्ड टू बी हाई, कहते हैं ब्राह्मण देवता? इट इज सेड ब्राह्मण देवता, मीनिंग ब्राह्मण इज अ डीटी, देवता समझ करके ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, भोजन खिलाते हैं। दे मीनिंग पीपल कंसिडर ब्राह्मिन्स टू बी डीटीज एंड वर्शिप देम, फीड देम फूड, शूद्रों को भोजन नहीं खिलाते, बचा बचाया जो ब्राह्मणों को आओगा सो शूद्रों को दे देते। दे डोंट फीड फूड टू द शूद्रास, दे गिव द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द ब्राह्मिन्स टू द शूद्रास, शूद्रों की बिचारों की पूजा नहीं होती। द पुअर शूद्रास आर नॉट वर्शिप्ड, क्या कारण रहा होगा? What must be the reason? Impurity. Impurity. मुरली में भी बोला है Impurity से होता है विनाश। It is also said in the मुरली, destruction takes place through impurity. और purity से होती है स्थापना, क्या? And establishment takes place through purity. What? पवित्रता से बनती है unity. Unity is formed through purity. Purity से unity और impurity से disunity. Unity is formed through purity and diversity is formed through impurity. इतनी 500-700 करोड़ की दुनिया, there is such a big world of 5-7 billion souls. सारी दुनिया में रावण राज्य की unity बनी हुई है। The unity of the kingdom of Ravan is formed in this entire world. दस सिरों की unity है कि नहीं? Is there the unity of the 10 heads or not? है? है? अगर न होती तो दस सिर वाला रावण चित्रों में क्यों दिखाया जाता? It is. Had it not been so, then why would Ravan with 10 heads have been shown in the pictures? माने unity का चरित्र तो किया है ना? It means he has definitely played the role of unity, hasn't he? वो चित्र के रूप में आज भी रावण जो है चित्रित किया जाता, भले पूजा नहीं होती है। Even today that Ravan is painted in the form of pictures, though he is not worshipped. इसका मतलब unity बना के दिखाता है। This means he creates unity and shows it to the world. लेकिन जो purity देवताओं में होती है वो यूनिटी नहीं है। बट ही डजंट हैव द यूनिटी ऑफ द प्यूरिटी विच डीटीज हैव। देवताओं की प्योरिटी और आसुरों की प्योरिटी और यूनिटी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द प्यूरिटी ऑफ द डीटीज एंड द प्यूरिटी एंड यूनिटी ऑफ द डीमंस। सेना तो देवताओं की भी होती है, सेना आसुरों की भी होती है। There is the army of deities and there is the army of demons too. सेना होती है, इससे साबित होता है कुछ न कुछ unity है तो ना। There is the army, this proves that there is certainly unity to some extent, isn't there? नहीं तो ये सेना कैसे तैयार हो गई? Otherwise, how is this army formed? Unity तो है, लेकिन जो भगवान purity सिखाता है, unity सिखाता है, वो प्योरिटी नहीं होती। देर इज सर्टनली यूनिटी बट दे डोंट हैव द प्योरिटी, द यूनिटी थ्रू प्योरिटी दैट गॉड टीचेस। भगवान की प्योरिटी और साधु सन्यासियों की प्योरिटी, उसमें जमीन आसमान का अंतर। देर इज अ डिफरेंस लाइक ऑफ द अर्थ एंड द स्काई बिटवीन द प्योरिटी ऑफ गॉड एंड द प्योरिटी ऑफ द सेजेस एंड द सन्यासीज। भगवान कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र बन करके दिखाना है। God says you have to become pure while living in the household and set an example. गृहस्थ को तोड़ना नहीं है। You shouldn't break the household path. जिसके साथ एक बार गठबंधन जोड़ लिया, the one with whom you have tied the knot once, उसको जीवन भर निभाना है। You have to maintain it lifelong. Knot means a ceremony attending a Hindu marriage in which the mantles of the bride and bridegroom are fastened together. निभाने से नंबर मिलते हैं यूनिटी के। You obtain a number that is marks for unity by maintaining the relationship. कि यूनिटी को निभाया माना प्योरिटी को निभाया।
इफ यू मेंटेन्ड यूनिटी इट मीन्स यू मेंटेन्ड प्यूरिटी। और डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया और दूसरे को अपना लिया। एंड इफ यू डिवोर्स्ड एंड एक्सेप्टेड समवन एल्स, तो जो सच्ची यूनिटी है वो तोड़ दी या निभाई? तोड़ दी। सो डिड यू ब्रेक द ट्रू यूनिटी और यू मेंटेन्ड इट? यू ब्रोक इट। तो असली यूनिटी भगवान बाप आकर के सिखाते। सो गॉड द फादर कम्स एंड टीचेस द रियल यूनिटी। उन सन्यासियों की है डुप्लीकेट यूनिटी। द यूनिटी ऑफ दोज सन्यासीज इज अ डुप्लीकेट यूनिटी। घरग्रस्त को छोड़ जाते हैं, संसार समझता है इन्होंने तो बड़ी पवित्रता धारण कर ली। दे लीव द हाउस होल्ड एंड द वर्ल्ड थिंग्स दीज वंस हैव इम्बाइब्ड ग्रेट प्यूरिटी। एक तरफ संसार छोड़ जाते हैं और दूसरी तरफ मठ पंथ जमा के संसार बनाए लेते हैं। ऑन वन हैंड दे लीव द वर्ल्ड एंड ऑन द अदर हैंड दे एस्टैब्लिश सेक्ट्स एंड फॉर्म अनदर वर्ल्ड। कोई भी कामजीत नहीं बन के दिखाया। No one proved himself by becoming Kamjit, meaning the one who gains victory over lust. कोई सन्यासी उदासी ने आज तक कामजीत बन करके दिखाया? Did any sannyasi udasi prove himself by becoming Kamjit? Sannyasi udasi means those who become sad, thinking everything is false and momentary. कामजीते जगत जीत होना चाहिए। If there was, he should be the one who gains victory over the world by gaining victory over lust. कोई भी धर्म पिता, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी साधु सन्यासी जगत जीत के रूप में संसार के सामने पेश नहीं हुआ। No religious father, no religious guru and no sage or sannyasi was revealed in the form of jagat jit in front of the world. Jagat jit means the one who has gained victory over the world. क्यों? क्योंकि बल ग्रहग्रस्त को छोड़ देते हैं तो भी इंद्रियां चलायमान रहती हैं। Why? It is because though they leave the household, the indriya are inconstant. Indriya, parts of the body used to perform actions and the sense organs. इंद्रियां चंचलता करती रहती हैं, इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। The indriya keep becoming inconstant. They are influenced by the indriya. कहावत है इंद्रिय जीते जगत जीत। देयर इज अ सेइंग द वन हु गेन्स विक्ट्री ओवर द इंद्रिया विल गेन विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड। कोई ने भी इंद्रिय को नहीं जीता। नो वन गेन्ड विक्ट्री ओवर द इंद्रिया। शंकर के लिए गायन है कि उन्होंने काम को जीता, कामदेव को भस्म कर दिया। देयर इज द प्रेज फॉर शंकर। He gained victory over lust. He burnt Kamdev into ashes. Kamdev meaning the deity of lust. इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल किया कि शंकर का जो विग्रह है, शरीर रूपी विग्रह है, वो आज भी पूजा जाता है। He controlled the इंद्रिया to such an extent that the idol, the body like idol of Shankar is worshipped even today. किस रूप में पूजा जाता है? In which form is it worshipped? लिंग के रूप में पूजा जाता है। It is worshipped in the form of a ling, meaning the symbolic representation of the male organ. In the path of bhakti, it represents the incorporeal form of Shiv. वो शरीर की प्रक्रिया ऐसी बना ली। He has controlled the manners of his body. कि जैसे इंद्रियां होते हुए भी न होने के समान। Such that the इंद्रिया आर नॉट प्रेजेंट इवन ऑन बीइंग प्रेजेंट। कानों से ग्लानी सुनते हैं सारी दुनिया की। He listens to the defamation from the entire world through the ears. रेडियो में सुनते, टेलीविजन में सुनते, अखबारों में सुनते। He listens to it in the radio, in the television, reads it in the newspapers. मिलने जुलने वाले मनुष्यों के द्वारा सुनते। Hears it through the people who come in contact. समाज के द्वारा सुनते, परिवार के द्वारा सुनते, अलौकिक ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी सुनते। Through the society, through the family and through the अलौकिक ब्राह्मण family as well. जिन बच्चों ने यज्ञ के आदि में खून से लिख लिख करके दिया था,
उन बच्चों ने भी ग्लानी कर दी, छोड़ के चले गए। द चिल्ड्रन हु हैड रिटन विद ब्लड इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ देयर कमिटमेंट टू बाबा, दोज चिल्ड्रन ऑल्सो डिफेम्ड हिम, लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे। ब्रह्मा का आसरा ले लिया। दे टुक द शेल्टर ऑफ ब्रह्मा। न ब्रह्मा ने बाप की परवाह की, न दूसरे ब्राह्मण बनने वालों ने बाप की परवाह की। नीदर डिड ब्रह्मा केयर फॉर द फादर, नॉट डिड द अदर्स हु बिकेम ब्राह्मिन्स केयर फॉर द फादर। न माता का देवियों के रूप में जो पूजी जाती है, उन आत्माओं ने भी परवाह नहीं की। द मदर्स हु आर वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ देवीज, इवन दोज सोल्स डिडंट केयर फॉर हिम। माताओं ने भी किसको फॉलो किया? Whom did even the mothers follow? यज्ञ के आदि की माताओं ने किसको फॉलो किया? Whom did the mothers in the beginning of the यज्ञ follow? बाप को फॉलो किया या ब्रह्मा को फॉलो किया? Did they follow the father or ब्रह्मा? ब्रह्मा को फॉलो किया। They followed ब्रह्मा। कौन से ब्रह्मा को फॉलो किया, दाढ़ी मूछ वाले को या आदि ब्रह्मा को? Which ब्रह्मा did they follow? Did they follow the Brahma with a beard and a mustache or the first Brahma? A student, the one with a beard and a mustache. वो तो बच्चा था। है, but he was a child. वो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को भी और जगदम्बा सरस्वती ओमराजे को भी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन था? Who was the one to teach Brahma with a beard and a mustache and Jagadamba Saraswati Omradhe as well? Someone said the partner. तो जो उनको भी पढ़ाई पढ़ाने वाला था, उनको फॉलो करने वाले थे या दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को फॉलो करने वाले थे? So were they the ones who followed the one who taught them, or were they the ones who followed Brahma with a beard and a mustache? इसके कहा जाए? For whom will it be said? जो आदि ब्रह्मा निमित्त बना, उसको सबने फॉलो किया। Everyone followed the first Brahma who became the instrument. जैसे उसने रास्ता दिखा दिया, सब ने वही रास्ता अपना लिया। Everyone adopted the very path he showed. तो सारी दुनिया ग्लानी करती है। So the entire world defames the corporeal one. जो मुरली में बोला, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। It is said in the Murli, the entire world will become your enemy. लेकिन बाप को मत भूलना। But don't forget the father. ये नहीं कहा शिव बाबा को मत भूलना। This wasn't said, don't forget शिव बाबा। क्या बोला? What was said? बाप को मत भूलना। ये बाप कौन? Don't forget the father. Who is this father? राम बाबू। A student said, the father Ram. राम बाबू नहीं भूलना, अपना अपने कोई नहीं भूले। Don't forget the father Ram. He should not forget himself. शिव बाप को नहीं भूलना। Don't forget the father Shiv. जैसे और धर्म पिताएं होते हैं। Just as there are other religious fathers. चाहे भी कोई भी धर्म की स्थापना करने वाले धर्म पिताएं हो, सब बीज हैं। दे मे बी द रिलीजियस फादर्स हु एस्टैब्लिश व्हिचएवर रिलीजन, ऑल आर सीड्स। वो स्वतः अपने में बीज हैं। दे देमसेल्व्स आर सीड्स। वो सब धर्म पिताएं साकार तो होते हैं ना? ऑल दोस रिलीजियस फादर्स आर सर्टेनली कॉर्पोरियल, आरंट दे? शरीर का जन्म तो लेते हैं ना? दे डू हैव अ बर्थ इन अ बॉडी, डोंट दे? तो वो सब धर्म पिताएं निराकारी बीज रूप स्टेज वाले हैं आदि में। So all those religious fathers are the ones with an incorporeal seed form stage in the beginning. ऐसे ही प्रजापिता भी आदि में क्या है? Similarly, what is प्रजापिता himself in the beginning? बीज रूप स्टेज वाला है। He is the one with a seed form stage. कैसा बीज? Which type of seed? जो हरा फल होता है। There is a green, that is raw fruit. उस हरे फल में जो बीज होता है, वो बीज फल से कनेक्टेड होता है। द सीड इन द ग्रीन फ्रूट इज कनेक्टेड टू द फ्रूट। फल टहनी से कनेक्टेड होता है। द फ्रूट इज कनेक्टेड टू द ब्रांच। टहनी वृक्ष से कनेक्टेड होती है। द ब्रांच इज कनेक्टेड टू द ट्री। तने से कनेक्टेड होती है। इट इज कनेक्टेड टू द ट्रंक। और तना जड़ों से कनेक्टेड होता है। एंड द ट्रंक इज कनेक्टेड टू द रूट्स। माने सब का एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है, संबंध होगा। इट मीन्स ऑल आर लिंक्ड विथ ईच अदर थ्रू कनेक्शंस। देह और देह के संबंध में फंसे हुए होते हैं। दे आर इंटेंगल्ड इन द बॉडी एंड द रिलेशनशिप्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जब बीज पक जाता है, फल पक जाता है,
तब क्या स्टेज बनती है? बट वेन द सीड राइपन्स मीनिंग वेन द फ्रूट राइपन्स वॉट स्टेज डज इट अटेन? बीज वृक्ष से अपने को डिटैच कर लेता है। द सीड डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द ट्री। सारे वृक्ष से डिटैच करता है। डज इट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द एंटायर ट्री? फलों से, फूलों से, टहनी से, पत्तों से, तने से, जड़ों से, सब से अपने को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है। डज इट डिस्कनेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द फ्रूट्स फ्लावर्स ब्रांचेस लीव्स ट्रंक रूट्स एंड एवरीथिंग? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनता है। एंड बिकम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा मीनिंग कॉन्करिंग ऑल काइंड्स ऑफ अटैचमेंट एंड रीगेनिंग द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ एंड द फादर। या कोई से अटैचमेंट रहता है? और डज इट हैव अटैचमेंट विद एनीवन? कोई से अटैचमेंट नहीं रहता। इट डजंट हैव अटैचमेंट विद एनीवन एनीमोर। ये पढ़ाई पढ़ाने में शिव बाबा माहिर है। शिव बाबा इज एन एक्सपर्ट इन टीचिंग दिस नॉलेज। कौन सी पढ़ाई? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। विच नॉलेज? द नॉलेज ऑफ नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। वो पढ़ाई पढ़ने में कौन माहिर है? हु इज एन एक्सपर्ट इन लर्निंग दैट नॉलेज? जो पढ़ करके फिर दूसरों को पढ़ाता है। द वन हु लर्न्स एंड देन टीचेस अदर्स। शूद्रों को ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्राह्मण बनाता है शिव बाबा। शिव बाबा मेक्स शूद्रास इनटू ब्राह्मिन्स आफ्टर एंटरिंग ब्रह्मा। ब्राह्मण ऊंचे होते हैं या देवताएं ऊंचे होते हैं? आर द ब्राह्मिन्स हाई और आर द डीटीज हाई? ब्राह्मण ऊंचे गाए गए। ब्राह्मिन्स आर प्रेज्ड एज बीइंग हाई। तो शूद्रों को ब्राह्मण तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से बनाया, ब्राह्मण से ब्राह्मण पैदा हुए। शिव बाबा मेड शूद्रास इनटू ब्राह्मिन्स थ्रू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। ब्राह्मिन्स वर बॉर्न थ्रू हिम। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। द प्रोजेनी ऑफ ब्रह्मा आर ब्राह्मिन्स। विष्णु को फॉलो करते हैं तो वैष्णव कहे जाते हैं। इफ दे फॉलो विष्णु दे आर कॉल्ड वैष्णव। ऐसे ही एक मात्रा बड़ी ना बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। इन दिस वे वन मात्रा इंक्रीज्ड टू मीन चिल्ड्रन ऑफ टू मीन फॉलोअर टेंटेड। मात्रा मीन्स एन इंट्रा सिलेबिक वॉवल सिंबल। ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करते हैं तो ब्राह्मण कहे जाते हैं। सिमिलरली द वंस हु फॉलो ब्रह्मा दे आर कॉल्ड ब्राह्मिन। देवता कब कहे जाते हैं? वेन आर दे कॉल्ड डीटीज? देवता किसकी औलाद? हुज प्रोजेनी आर द डीटीज? देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? हु इज द वन हु मेक्स डीटीज इनटू डीटीज? डॉक्टरों को डॉक्टर बनाने वाला डॉक्टर? द वन हु मेक्स डॉक्टर्स इनटू डॉक्टर्स इज अ डॉक्टर। इंजीनियरों को इंजीनियर बनाने वाला इंजीनियर? पढ़ाई तो होती है ना। द वन हु मेक्स इंजीनियर्स इनटू इंजीनियर्स इज एन इंजीनियर। देयर इज द स्टडी इजंट देयर। इंजीनियरिंग कॉलेज होगा तो पढ़ाने वाले कौन होंगे? इंजीनियर। इफ देयर इज एन इंजीनियरिंग कॉलेज हु विल बी द वंस टू टीच इन इट? इंजीनियर्स। वकीलों को वकालत पढ़ाने वाला बैरिस्ट्री पढ़ाने वाला बैरिस्टर होगा? द वन हु टीचेस द प्रोफेशन टू द लॉयर्स विल बी अ बैरिस्टर। तो देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? सो हु इज द वन हु मेक्स द डीटीज इनटू डीटीज? कौन बनाएगा? हु विल मेक देम सो? महादेव। विष्णु बनाएगा? विल विष्णु मेक देम सो? अरे विष्णु में चार भुजाएं तो कैसी है? अरे हाउ आर द फोर आर्म्स इन विष्णु? अ स्टूडेंट दे आर डिफरेंट। अलग अलग तो है। दे आर सर्टनली डिफरेंट। चार भुजाएं नीचे ऊपर दाएं बाएं अलग अलग तो हैं। द फोर आर्म्स डाउन अप राइट एंड लेफ्ट आर सर्टनली डिफरेंट। लेकिन वो चलने वाली है या चलाने वाली है? बट आर दे द वंस हु मूव और आर दे द वंस हु मेक अदर्स मूव? चार भुजा रूपी जो चार आत्माएं हैं वो स्वयं चलने वाली है? आर द फोर सोल्स इन द फॉर्म ऑफ फोर आर्म्स द वंस हु मूव ऑन देयर ओन? या चलाने वाली है? और आर दे द वंस हु मेक अदर्स मूव? वो चलती है माने उनको चलाने वाला कोई और है। वो कौन है? शंकर। दे मूव इट मीन्स द वन हु मेक्स देम मूव इज समवन एल्स। हु इज ही?
अ स्टूडेंट शिव बाबा वो तो है बिंदु तो है ही है ही इज सर्टनली देयर द पॉइंट इज सर्टनली देयर लेकिन उन चार भुजाओं के ऊपर वो चार भुजाएं किसको सहयोग देती है बट अबाउट दोस फोर आर्म्स विथ होम डू दोस फोर आर्म्स कोऑपरेट शिव ज्योति बिंदु को सहयोग देती है डू दे कोऑपरेट विथ शिव द पॉइंट ऑफ लाइट या प्रजापिता के विश्व की बादशाही बनाने में सहयोग देती है और डू दे कोऑपरेट विथ प्रजापिता इन क्रिएटिंग द एम्पायरशिप ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट दे हेल्प प्रजापिता इन क्रिएटिंग द एम्पायरशिप ऑफ द वर्ल्ड शिव तो विश्व का बादशाह बनता नहीं है शिव सर्टेनली डजंट बिकम द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड उसे बादशाही लेनी भी नहीं है ही डजंट वॉन्ट टू टेक द एम्पायरशिप ईदर उसको तो वापस जाना है इन फैक्ट ही हैज टू गो बैक फिर साकार में कौन है वो जिसको वो भुजाएं सहयोग देती है देन हु इज दैट कॉर्पोरियल फॉर्म विथ होम दोज आर्म्स कोऑपरेट प्रजापिता के है ना इट विल बी सेट फॉर प्रजापिता वॉन्ट इट मुरली बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण नेक्स्ट टू गॉड इज संगमयुगी कृष्ण इट इज सेड इन द मुरली नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण नेक्स्ट टू गॉड इज द कॉन्फ्लुएंस एज कृष्णा तो गॉड हुआ शिव सो गॉड इज शिव और शिव गॉड के नेक्स्ट हुआ प्रजापिता एंड नेक्स्ट टू गॉड शिव इज प्रजापिता जो विश्व का मालिक बनता है द वन हु बिकम्स द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड ऊंचते ऊंच साकार में कौन हु इज द हाईएस्ट इन द कॉर्पोरियल फॉर्म प्रजापिता प्रजापिता साकार में जो ऊंचते ऊंचे है उसके द्वारा ही गाया जाता है गीता का भगवान द वन हु इज द हाईएस्ट इन द कॉर्पोरियल फॉर्म ओनली थ्रू हिम इज देयर द प्रेज ऑफ गॉड ऑफ द गीता ब्रह्मा ऊंचते ऊंचे नहीं है ब्रह्मा इज नॉट द हाईएस्ट माँ के द्वारा बादशाही नहीं मिलती वर्षा नहीं मिलता द एम्पायरशिप इज नॉट रिसीव्ड एंड द इनहेरिटेंस इज नॉट रिसीव्ड थ्रू द मदर बाप के द्वारा वर्षा मिलता है द इनहेरिटेंस इज रिसीव्ड थ्रू द फादर तो जो बाप प्रजापिता है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप गाया जाता है सो द फादर प्रजापिता द वन हु इज प्रेज्ड एज द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा उसको मानती है एवरी सोल ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड एक्सेप्ट्स हिम हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो सब उस आदि पुरुष को मानते हैं आदि पिता को Whether it is a Hindu, a Muslim, a Sikh or a Christian, everyone believes in that first man, the first father. वो हुआ प्रजापिता He is प्रजापिता वो ही गीता का साकार भगवान के रूप में सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है He himself is revealed to the world in the form of the corporeal god of the Gita. आदि में भी वो बीज था और अंत में भी वो बीज बन करके रहता है ही वॉज द सीड इन द बिगिनिंग एज वेल एज ही रिमेन्स एज अ सीड इन द एंड इसलिए जगन्नाथ के मंदिर में जो दो भुजाएं दिखाई जाती हैं दिस इज व्हाई टू आर्म्स आर शोन टू जगन्नाथ इन द टेंपल ऑफ जगन्नाथ लेफ्ट साइड की विनाशकारिणी शक्ति द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड की स्थापना और पालना करने वाली शक्ति एंड द पावर विच एस्टैब्लिशेस एंड सस्टेन्स ऑन द राइट साइड वो दोनों भुजाएं कैसी दिखाई जाती हैं? है टूटी हुई दिखाई जाती हाउ आर बोथ आर्म्स शोन दे आर शोन ब्रोकन माना माया का ऐसा वितंडावाद फैलता है संसार में इट मीन्स सच फलेशियस कॉन्ट्रोवर्सी स्प्रेड्स इन द वर्ल्ड थ्रू माया कि भगवान के रूप में जो पार्ट बजाने वाला साकार भगवान है दैट द कॉर्पोरियल गॉड हु प्लेस द रोल इन द फॉर्म ऑफ गॉड सारे जगत का पिता है द वन हु इज द फादर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड सारे जगत का नाथ है द वन हु इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड उनकी सहयोगिनी विशेष शक्तियों को भी तोड़ देती है शी ब्रेक्स इवन हिज स्पेशल कोऑपरेटिव पावर्स कौन माया माया हु माया
इसलिए माया को टाइटल मिला हुआ है। कौन सा? दिस इज वाई वॉट टाइटल हैज माया रिसीव्ड। सर्वशक्तिवान। द टाइटल ऑफ ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान। एक बार तो सबको अनिश्चय पैदा कर देती। शी मेक्स एवरी वन हैव अ डाउट एट लीस्ट वंस। बाप ने दिया है? बाप ने दिया ऐसा? बाप सच्चा है या झूठा है? सच्चा। अ स्टूडेंट, द फादर गेव दिस टाइटल, इज द फादर ट्रू और अ लायर? अ स्टूडेंट, ट्रू। सच्चा बाप है तो कुछ नियम बनाएगा ना? इफ ही इज अ ट्रू फादर ही विल मेक सम रूल्स, वोंट ही? वो नियम बनाता है। कौन बुद्धि से सरेंडर होता है पहले? ही मेक्स द रूल, हु सरेंडर्स हिमसेल्फ फर्स्ट थ्रू द इंटेलेक्ट। 300-400 यज्ञ के आदमी भी बुद्धि से सरेंडर हुए थे क्या? Did the 300-400 virgins and mothers surrender through the intellect in the beginning of the yagya as well? बुद्धिमान बाप की बुद्धिमान, ये बुद्धिमान बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसके सामने सरेंडर हुए थे क्या? Did they surrender themselves before the intelligent father who is the intellect of the intelligent ones? बाप के सामने सरेंडर हुए थे आदमी? Did they surrender themselves in front of the father in the beginning of the yagya? कि आदि ब्रह्मा के सामने सरेंडर होकर रह गए? और डिड दे सरेंडर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट ब्रह्मा? किसके सामने सरेंडर हुए? इन फ्रंट ऑफ होम डिड दे सरेंडर देमसेल्स? अरे ब्रह्मा यज्ञ के आदि में। अरे अ स्टूडेंट सेड समथिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ। जब झगड़ा हुआ था यज्ञ के आदि में? व्हेन द क्वारल टुक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। The flames of destruction ignited from the Yajna Kund along with the establishment. Yajna Kund meaning sacrificial fire pit. Here it means the spiritual family that God has established. तो बाप का साथ दिया था या अम्माओं का साथ दिया था? अम्माओं का साथ। Did they support the father or the mothers? Someone said they supported the mothers. माताओं का साथ दिया। They supported the mothers. बाप का साथ किसी ने नहीं दिया? No one supported the father. जो आदमी होता है वो अंत में भी परीक्षा होती है, अगर परीक्षा ना हो तो माला के मणके तैयार नहीं कहे जाएंगे। Whatever happens in the beginning, the same exam takes place in the end as well. If there is no exam, then the beads of the rosary won't be set to be ready. माला नहीं बनी जाए मानी जाएगी। नंबर वार It won't be considered as the rosary of number-wise beads. Number-wise, that is, set in different positions according to their spiritual effort. Om Shanti. Om Shanti.